तो आज हम देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है जो कि एआई टूल्स के हवाले से वेबसाइट है, जिसका नाम है pitch.com। इस pitch.com पर जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है एक जीमेल की आईडी से, जिसके ऊपर आप फ्री प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई और विदाउट हेल्प ऑफ एआई, दोनों ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी इस पर की जा सकती हैं। कल हमने इसके बारे में कुछ इंट्रो लिया था, आज इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इस वेबसाइट को और बेहतर तरीके से यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे pitch.com के ऊपर, तो pitch.com के ऊपर हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रहा होता है। एक कह रहा है कि आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन बना लें, दूसरा कह रहा है एआई की हेल्प से बना लें, तीसरा कह रहा है कि वेलकम, चौथा कह रहा है सेटअप कर लें अपना वर्क स्पेस। तो अभी हम इसको एआई के हेल्प से ही कोई ना कोई एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट विथ एआई और इम्पोर्ट प्रेजेंटेशन, तो स्टार्ट विथ एआई के साथ क्लिक करते हैं। तो जैसे ही एआई के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमसे प्रॉम्प्ट करेगा, और प्रॉम्प्ट जो भी हम इसको देंगे जिस टॉपिक का भी, उससे रिलेटेड हमें ये एक प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। अच्छा, मतलब कॉन्टेंट भी खुद ही लिखेगा ये। अब ये क्या टॉपिक दे सकते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं क्रिएट इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन ऑन स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, ठीक है। प्रेजेंटेशन की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, प्रेजेंटेशन, चलो। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन, तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का टूल है जो कि कंटेंट भी लिखेगा, कंटेंट लिखने के साथ पूरी प्रेजेंटेशन भी बना के देगा, एटलीस्ट आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया दे देगा, इमेजेस भी लगा देगा। उसके बाद भी हम इसके अंदर फॉन्ट्स और इसके अलावा उसके कलर स्कीम और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ईजिली कर सकेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि ये AI टूल है, थोड़ा काम करते हैं इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक तो काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि ये कितना टाइम लेता है। ओके, अब इसने पहली स्लाइड का एक ड्रॉप तो दिया है, देखिए अब कितना लगता है और टाइम इसमें। ओके, देखिए इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है प्रेजेंटेशन बना दी है, एम्पावरिंग स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर, की टू अ ब्राइटर फ्यूचर, हॉरिजन स्टूडेंट एक्सीलेंस, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, नर्टरिंग विजनरीज, गाइडिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स सक्सेस पाथ, फास्टरिंग इनोवेशंस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ग्लोबल सिटीजनशिप, इंस्पायरिंग चेंज। तो इसने एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हमें बना के दे दी। अब हम इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे तो हम इसमें से काफ़ी 3-4 किस्म के फॉन्ट दिए हुए हैं, ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी प्रेजेंटेशन का फॉन्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए इसका फॉन्ट अपडेट हो गया। इसके बाद अगर हमें कलर स्कीम्स के ऊपर कुछ डाउट्स हैं तो यहाँ पर हमें 3 कलर की स्कीम दी गई है, हम इसमें से ये वाली कलर स्कीम लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसकी स्कीम भी अपडेट हो जाएगी। ओके, ये देखिए कलर स्कीम भी इसकी अपडेट हो गई, फॉन्ट भी अपडेट हो गया, स्कीम भी अपडेट हो गई। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसका प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे हैप्पी स्टूडेंट डे, ठीक है, और इसको लिखने के बाद और 15 अक्टूबर,
और दोबारा से जनरेट कर देंगे तो वंस अगेन अब ये कंटेंट दोबारा से जनरेट कर देगा। मतलब अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है तो ये वेबसाइट आपके लिए कंप्लीट प्रेजेंटेशन खुद ही बना देगी, कंटेंट भी दे देगी, नहीं तो इतना तो आइडिया कर ही देगी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना है उसका पूरा आइडिया दे देगी। फिर आप इस आइडिया को ले लें अपने पास और उसके बाद आप अपनी खुद की प्रेजेंटेशन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है और आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता ही है कि कितना टाइम ले रहा है। अच्छा, स्पीड सर्विस इशू होगा शायद, इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इसने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन इसने बना के हमें दे दी है। ठीक है, अब इसका कलर स्कीम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर फ़ॉन्ट आपको ये बेहतर नहीं लग रहा है तो आप दूसरा फ़ॉन्ट की तरफ जा सकते हैं, क्लिक करके यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और अब आप मुतमईन हो गए तो यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग के बटन पे क्लिक करके फ़र्दर इसको एडिटिंग की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे एडिटिंग के टैब पर आएंगे ये बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह आपके सामने लोड हो जाएगा, ये इसका साइड पेन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करके आप देखते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेप्स, स्टिकर्स, चार्ट्स, टेबल्स, एम्बेडेड लिंक्स ऐड करा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना चाहें, स्लाइड का कलर चेंज करना चाहें, स्लाइड का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ प्ले के बटन पर क्लिक करके इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड शो इसका प्ले के बटन पर सेट किया गया है। तो अब ये मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करता जाऊँगा यहाँ आप नोट करेंगे कि ये चेंज होता जाएगा। ओके, इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड शो से बाहर आ रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्लाइड्स हैं हमारे पास तकरीबन, एक फर्स्ट स्लाइड ये है। अब स्लाइड के ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट बटन दबाएं तो वही पूरा पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर है, न्यू स्लाइड, स्किप स्लाइड, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, नो स्टेटस, टू डू, इन प्रोग्रेस, ड्यू, असाइन, अप्लाई स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर हमें देखने के इफेक्ट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है तो यहाँ पर साइड में देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, डिज़ाइन के आ रहे हैं, एनिमेशन के आ रहे हैं। तो जैसे एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट किस्म की एनिमेशन देखने को मिलेंगी आपको, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन कम्युनिटी। तो किस तरह का आप जैसे ये वाला इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं ये देखिए, और ये वाला इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं, और ये वाला इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं, और ये वाला इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट हैं जिसमें आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर दिया तो इस स्लाइड के ऊपर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी ये अप्लाई करना है, अगली स्लाइड के ऊपर ये वाला अप्लाई करना है, उससे अगली स्लाइड पर ये वाला अप्लाई करना है, फिर उससे अगली स्लाइड पर ये वाला अप्लाई करना है, फिर उससे अगली स्लाइड के ऊपर अगर हमें कोई और अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से वो अप्लाई कर देंगे। और फिर प्ले के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे स्लाइड शोज़ के इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। सही है, तो इस तरह से आप इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा एनिमेशन का ऑप्शन। टाइमिंग वगैरह की सेटिंग करनी है, स्लाइड स्टेटस वगैरह जानना है, नोट्स लगाने हैं या कमेंट्स देने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा रहा है स्टूडेंट इम्पोर्टेंस, तो रिकॉग्नाइजिंग योर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपने लिया। किस तरह का टेक्स्ट चाहिए, सपोज टू बी नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको यहाँ से पकड़ेंगे हम और इसको पकड़ के यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ पे रख के हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं।
और यहाँ पर आप टैक्स लिखेंगे। अब टैक्स तो हमारे पास है नहीं, क्या लिखना है, इम्पोर्टेंस स्टूडेंट डे इम्पोर्टेंस। तो इसके लिए हमें कुछ कंटेंट चाहिए, तो स्टूडेंट डे इम्पोर्टेंस चैट जीपीटी से हम कुछ लिखवा लेते हैं। ये हमने इसको कहा कि स्टूडेंट डे इम्पोर्टेंस के ऊपर हमें दो लाइन लिख के दे दो, तो इसने टाइप कर दी और इन दोनों लाइंस को हमने यहाँ से लिया, कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे जाके हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल वी करके प्रेस किया, सेलेक्ट कर दिया इसको, फॉन्ट के साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ करना शुरू किया। ओके, जब ये कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया, सेलेक्ट ऑल करके इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ्स की सेटिंग्स पे क्लिक किया और यहाँ से जस्टिफाई कर दिया। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। इस तरह से टेक्स्ट भी आपको डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर टाइटल टेक्स्ट बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करके टाइटल से रिलेटेड टेक्स्ट मिल जाएंगे, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नॉर्मल टेक्स्ट, बुलेट्स, नंबर लिस्ट, ये आपको सारे स्टाइल यहाँ मिल जाएंगे। जिस तरह का लेंगे फिर उसी तरह का टेक्स्ट अप्लाई होगा। मीडिया, अच्छा यहाँ पर देखें एम्बेड क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट से कोई वीडियो लेनी है, यूट्यूब से, वीमियो से, लूम से, या कोई और लिंक है वो आप यहाँ लेना चाह रहे हैं तो वो लिंक यहाँ पे लगाएंगे और वो उसके साथ एम्बेड हो जाएगा। मतलब आपको कोई वीडियो ऐड करनी है या कोई शॉर्ट डालना है और वो दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से दिखाएगा, हिस्ट्री इनसाइट्स भी इसके ऊपर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर किसी का कोई लिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। चार्ट ऐड कराना है, रिकॉर्डिंग करनी है, ऐड अ रिकॉर्डिंग, या फिर आपको शेप इसके अंदर ऐड कराना है। लाल सपोज आपको इसको यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स दिए हुए, जो भी शेप आप चाह रहे हैं ऐड कराना वो आप यहाँ पे इजीली ऐड करा सकते हैं। सपोज तो भी ये वाला शेप आप ऐड कराना चाह रहे हैं तो क्लिक करके इस तरीके से उस शेप को पहले बना लें इसके अंदर। तो कैसे क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, यहाँ से हमने सपोज वो शेप सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये शेप यहाँ पर नज़र आएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर रख के इसको हम यहाँ से इस तरीके से छोटा कर लेते हैं और इसको खींच के इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखें किस तरह का मामला भी हम इसके ऊपर इस तरीके से इजीली बना सकते हैं शेप्स के हवाले से, ठीक है। तो ये शेप आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप काफ़ी किस्म का बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन का आइडिया चाहिए, नहीं बनाना आ रहा, तो बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन बना लेंगे और बनाने के बाद अब इसमें जब वैसे तो इसमें प्रेजेंटेशन का ऑप्शन फ्री है, लेकिन जब डाउनलोड करने की बात आती है तो जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछता है, तो यहाँ पे आ रहा है इनवाइट कोलाबरेट, किसी का ईमेल एड्रेस लिख के आप उसको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। शेयर एक्सटर्नली पे क्लिक करके यहाँ से आप एक नया लिंक जनरेट करा सकते हैं और वो लिंक किसी से भी शेयर करेंगे तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को देख सकेगा। कैसे देख सकेगा, यहाँ न्यू लिंक पे क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट लिंक कर दिया, ये लिंक बन जाएगा, कॉपी कर लिया लिंक। अब जैसे मैं आपके ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ वो लिंक, और वो लिंक जैसे ही मैं शेयर करूँगा तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये प्रेजेंटेशन देख सकेंगे। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया यहाँ पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही एनिमेशन करती हुई ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी तरीका है अपना लिंक शेयर करने का, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने का, न्यू लिंक भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आप इसकी PDF फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं कंप्रेस क्वालिटी में और हाई क्वालिटी में, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स एंड इंटरैक्टिव ब्लॉग्स में नॉट बी एक्सपोर्टेड करेक्टली टू लेट योर कंटेंट शाइन शेयर लिंक। कह रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सही तरह पावर पॉइंट में इंपोर्ट नहीं हो सकेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप इसका लिंक बना के लोगों से शेयर कर दें ताकि वो वेबसाइट पर वो लिंक खोल के आराम से उस प्रेजेंटेशन को देख सके। और उसके लिए ये कह रहा है कि अगर PPT फाइल डाउनलोड करनी है तो तुम्हें प्रीमियम प्लान लेना होगा, मतलब पैसों वाला प्लान लेना होगा, तो इसकी फ़ीस भी कम ही होती है। इस पर क्लिक करके देखें कितनी फीस बता रही है, अनलॉकिंग फीचर्स प्रीमियम के अंदर। तो यहाँ पर ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे पावर पॉइंट के, अपलोड के, वीडियो के, कस्टम के, और यहाँ पर इसके नीचे इसकी फ़ीस शायद $10 या $6 है जो आपको पे करनी होगी ईयरली।
तो उसके बाद यहाँ पर शेयर करने पर, अगर आप इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके या इस पर क्लिक करके, लेकिन इसमें उसका जो ब्रांड का लोगो है वो लगा हुआ आएगा, रिमूव पिज ब्रांडिंग। अगर इसको रिमूव करेंगे तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, फिर ये काम हो पाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसी के साथ डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को और यहाँ पे कहेंगे शेयर लिंक, और जैसे ही इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी और पूरी PDF फाइल हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। इस तरह से आप pitch.com के ऊपर बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपको सही तरह कॉन्टेंट नहीं भी लिखने आते हैं तो pitch.com आपको हेल्प कर सकता है AI प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और इसमें जल्दी से प्रेजेंटेशन आपकी बन जाएगी। वेदर आपके कंप्यूटर में अगर पावर पॉइंट नहीं भी है तब भी आप इस पर आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो जाए थोड़ी देर में, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ।